हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। यहां पर देख सकते हैं पाइथन की आईडी मैंने ओपन की है और यहां से मैं न्यू फाइल ले लेता हूं। अब आज का टॉपिक क्या है वो समझ लेते हैं। हम एक लिस्ट बनाएंगे। अब लिस्ट तो पहले भी हम बना चुके हैं, तो लिस्ट में क्या नया है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले लिस्ट, क्योंकि इसी में हम लिस्ट बनाने वाले हैं। पहचान क्या है लिस्ट की, ये तो आपको पता ही है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही तो लिस्ट की पहचान है। अब यहां पे मैं अपना नाम लिख देता हूं, तो ये नाम मैंने अपना लिख दिया, डबल डॉट कोट्स में क्लोज कर दिया। अब यहां पे लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, ऐसे कुछ चीजें लिख देता हूं। फिर यहां पर एक नाम लिख देता हूं, ठीक है, 3 लिख करके। और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर फिर एक नाम लिखता हूं, जैसे RAM राम लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पर यह भी नाम हो गया। फिर यहां पर आगे 66, 67 ऐसे कुछ और भी एलिमेंट मैं ऐड करा देता हूं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आता हूं। जैसे ही नीचे आऊंगा, अच्छा एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पर ये लिस्ट है तो आपको स्मॉल ब्रैकेट नहीं देना, ये टपल नहीं है, ये लिस्ट है। एंटर करिए, यहां पर आइए। अब यहां पर क्या करना है, रिमूव कराना है। रिमूव कराना तो हम पॉप का यूज करते हैं, लेकिन आज का खास टॉपिक यही है कि हम आज रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे, रिमूव फंक्शन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना होगा list लिस्ट डॉट रिमूव। क्या लिखना है, लिस्ट डॉट रिमूव, इस तरीके से लिखिएगा। ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा और यहां से आपको क्या करना है, जिसको रिमूव कराना है वो नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 3 को रिमूव कराना चाहता हूं, तो यहां पर लिख दीजिए 3, बंद कर दीजिए ब्रैकेट को और फिर प्रिंट करवा दीजिए लिस्ट को। तो यहां से अब मैं लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहां से रन पे क्लिक करते हैं, यहां से मॉड्यूल पे जाते हैं और यहां से ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके करेंगे यहां पर ये इस तरीके से आएगा और यहां पर डॉट py लगा देते हैं और यहां पर एंटर कर देते हैं इस तरीके से। और ये देखेंगे तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि यहां से क्या गायब है, ठीक है। आउटपुट देख लीजिए आप, हमने यहां पर क्या गायब किया था, 3 गायब किया था, ठीक है। अगर मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं सूरज को गायब कर दूं यहां से, तो हमें क्या लिखना होगा, डबल डॉट कोट्स में SURAJ लिखना होगा, ठीक है, इस तरीके से। क्या डबल डॉट कोट्स देना जरूरी है, F5 प्रेस करते हैं अभी पता चल जाएगा देना जरूरी है या नहीं। तो यहां पर देना जरूरी है, देख सकते हैं यहां से सूरज गायब हो चुका है, जो आउटपुट आया हुआ है, क्लियर। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये रिमूव फंक्शन पाइथन के अंदर कैसे काम करता है, जो आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।